कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं मैंने सिंह गाइस, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस वाला। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से कुछ अपडेट लेकर आया था, फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो अपडेट है गाइस, वो है जर्मी की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो जर्मी बुंडे ने अपना एक अपडेट शेयर कराया है गाइस, आप लोग देख सकते हो। मैं बताऊँ तो जर्मी इंडिया काफ़ी टाइम से इंजरी चल रहे थे, लेकिन अब वो कम बैक कर चुके हैं गाइस। तो सबसे बड़ी बात है कि यार, एक एथलीट ने इतना सारा सफर करने के बाद कम बैक करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर कंडीशन वाइज बात करूँ, देखो ये बहुत बड़ा चैंपियन है, और खासकर मैं सीक में तो यार जर्मी से बढ़कर अभी तक किसी का नाम नहीं है। तो इनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो गया, इतने टाइम से बॉडी बिल्डिंग करते करते, मतलब बहुत जल्दी देख सकते हो कम बैक कितना बढ़िया हो गया। चेस्ट कितना ज़्यादा फुलर लग रहा, मिड सेक्शन बिल्कुल कंट्रोल में, ओवरऑल फिजिक बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस, इस फिजिक को देखकर बस यही लग रहा कि जर्मी उडिया बहुत जल्द आपको, मतलब बिल्कुल अपना ओन फॉर्म में दिखने वाले हैं गाइस। तो आप लोग बताना कि इनका कम बैक को लेकर आप लोग क्या सोचते हो। एंड उससे बात मैं बता दूं, आपको किसी प्रकार कोई भी जर्मी सप्लीमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा हूँ, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। एथलीट फॉर न्यूट्रिशन जो कि इंडिया का टॉप वन का बेस्ट ब्रांड इन इंडिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप किसी प्रकार कोई सप्लीमेंट परचेज करते हो तो एफएन का आप लोग गाइस परचेज कर सकते हो। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है भुवन चौहान की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली जैसे तो भुवन चौहान ने भी अपना एक अपडेट शेयर कराया है गाइस, देख सकते हो इनका ऑफ सीजन का ये करंट फिजिक अपडेट है। जिस फिजिक की बात करूँगा तो बहुत लीन मास मसल मास अपने इन्होंने, मतलब फ्रेम में पुट ऑन करा, हर साल ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रूवमेंट के साथ कम बैक कर रहे हैं। इनको मैं 2020 से अपने देखा होगा, 2020 मतलब जितने भी ओलंपिक है हर साल वही कॉम्पीट, तो इस बार भी बहुत अच्छा ऑफ सीजन उन्होंने आई थिंक एक साल का ऑलमोस्ट लिया है। तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट के साथ वो स्टेज पे आएंगे, और इस बार अपने फ्रेम में ना और गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन करा, चाहे चेस्ट की बात करूँ, चाहे शोल्डर की बात करूँ, राउंड विड्थ एवरीथिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट इनका चल रहा है गाइस। तो बहुत अच्छा, और बैक तो आप लोगों को पता है हमेशा ये डोमिनेट करते हैं बैक से, मतलब इनका बहुत अच्छा बैक है, चाहे थिकनेस की बात करूँ, चाहे विड्थ की बात करूँ, मतलब ओवरऑल की बात करूँ। तो भाई आप लोग भी अगर कमेंट करके जरूर बताना इनका फिजिक को देखकर क्या लग रहा है। बाकी अभी अनाउंस नहीं करा, इनको अभी क्वालिफिकेशन भी लेना है, क्योंकि इनके पास ओलंपिक क्वालिफिकेशन है नहीं, कोई प्रोफेशनल तो अभी इस साल इन्होंने जीता नहीं। देखते हैं कब तक ये डिसाइड करते हैं और कब ये बैक करते हैं खुद को। तो आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका सुनील यादव की तरफ से गाइस। रिसेंटली देख सकते हैं सुनील यादव ने अपना एक अपडेट शेयर करा, जिसमें ये आर्म्स का वर्कआउट करते हुए दिखे, लेकिन इनका बॉडी जो है ना, मतलब बिल्कुल ऑफ, मतलब बोल सकता हूँ स्पेस की जो बात करते हैं ना वो नहीं। और इस साल भी वैसे को दिल्ली में इन्होंने कम्पीट नहीं करा, तो क्या ये मुंबई वाले शो में कम्पीट करेंगे या फिर अभी और इनको ऑफ पे ही रहेंगे, अभी नहीं पता। बट करंट फिजिक को देख कर यही लग रहा कि अभी बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि कब ये कम बैक करेंगे? क्योंकि देखो, जो हम बात करते हैं ना कि ओपन्स की बात करते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, तभी सुनील यादव के अलावा मुझे ना ऐसा लगता है कोई प्रो जो आसपास है कि उनको क्वालिफिकेशन मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो कोच है हैनी रैमबुड, जो कि इनका कोच है। एंड गाइस, आप लोग को पता ही होगा कि ये अपने आप में बहुत, मतलब बहुत बड़े एथलीट हैं, और बहुत जल्द, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेप डाउन करेंगे अपना ओलंपिया स्टेज पर। लेकिन अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब कब वो टाइम कब आएगा, कब क्वालिफिकेशन मिलेगा, कब ये कम बैक करेंगे स्टेज पे आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जो बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका मनोज पाटिल की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो मनोज पाटिल ने अपना एक अपडेट शेयर कराया गाइस, आप लोग देख सकते हो। मनोज पाटिल का ये कंडीशन है, जो कि मैं बताऊँ तो मनोज पाटिल बिल्कुल अच्छे तरीके से कम बैक कर रहे हैं। तो अपने आप में ना एक ये भी बहुत बड़ा है मनोज पाटिल के लिए, कितना सारा अप एंड डाउन झेलने के बाद एथलीट, मतलब काफ़ी आई थिंक ऑलमोस्ट एक साल बाद ये कम बैक कर रहे हैं। और रिसेंटली भी मैंने इनके साथ लाइव भी आया था, तो एक क्यूएनए भी करा था, तो उन्होंने बताया था इस साल के दिसंबर में मुंबई वाले शो से पहले एक दो शो में और कम्पीट करेंगे। तो 2-3 महीने के अंदर ये अपने बॉडी को जो है स्टेज के टाइप रेडी करने वाले हैं गाइस। तो जो कि ये कितना देख कर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार देखो, मनोज पाटिल एक ऐसे एथलीट पोटेंशियल वाले एथलीट है ना, इंडिया की बात करता हूँ मैं इस लीग में, जो कि अपना बेस्ट पैकेज बेस्ट फॉर्म लेकर आएंगे ना, तो वो क्वालिफिकेशन 100 में जीत जाएंगे, 100 में निकालेंगे। इनके पास साइज है, इनके पास कंडीशन होता है, लेकिन ये पिक जो कहते हैं, मतलब अपना वही है दिन का यार, अभी इनका वो दिन नहीं है, बट जिस दिन इनका आ गया ना, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसे एथलीट हैं ये। तो आप लोग भी अगर कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोगों को कैसा लगता है, क्या सोचते हो आप लोग इनके बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है एंड्री जॉफ की तरफ से रहा है। रिसेंटली एंड्री जॉफ ने अभी चैंपियनशिप जो जीता वो टेक्सास प्रो जीता, और गाइस एक बार बता दूं, ये 3 टाइम लगातार इन्होंने टेक्सास प्रो को जीता, 3 टाइम किंग ऑफ चैंपियन इन टेक्सास, बैक टू बैक ये जीतते हैं टेक्सास प्रो शो का गाइस। तो आप लोग देख सकते हो ये इनका कंडीशन था टेक्सास वाले प्रो शो में, सच बताऊं बहुत ज़्यादा फुलर लग रहे थे, और लेग्स का तो ऐसे इनका, मतलब इंप्रूवमेंट दिख रहा ना कि इस बार ओलंपिया में भी ये टक्कर देंगे बराबर का। और आपको पता है किस तरीके से आजकल ओलंपिया में गेम पलटते हैं, पुराने एथलीट एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं। तो ओवरऑल की बात करूँ ना,
तो बहुत तगड़ा पैकेज इन्होंने डिस्प्ले करा था अभी टेक्सास वाले प्रो शो में, और भी टाइम है ओलंपिया में, तो बढ़िया इंप्रूवमेंट के साथ आएंगे तो कुछ बढ़िया कमाल सा जरूर करेंगे ओलंपिया के स्टेज पे, तोड़ फोड़ जिसको बोल सकते हो अपने भाषा में। तो गाइज इनका फिजिक को देखकर आप लोगों को क्या लगता है एक बार जरूर बताना, वैसे वैसे बताऊँ तो कमेंट में यार आप सभी लोग ना एक बार जरूर लिख देना कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंड रिजल्ट एंड यार बहुत अच्छे एथलीट है, बहुत कम टाइम में ना बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा, बहुत अच्छा नाम करा है इस एथलीट ने। तो आप लोग भी कमेंट बताना अपना राय विचार जो भी सोचते हो आप लोग। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है ना वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से, हमने एक चीज करके आप सभी लोग के, तो इस वीडियो को देखना, गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। शेड्यूल नंबर वन बारबल कल, डेम्बल कल, प्रीचर कल और लास्ट में हैमर कल, 3 से 4 सेट, 8 से 12 रेप। शेड्यूल नंबर टू प्रीचर कल, डेम्बल कल, फिर बारबल कल, लास्ट में हैमर कल, 3 से 4 सेट, 8 से 12 रेप। शेड्यूल नंबर थ्री प्रीचर कल, बारबल कल, हैमर कल और एंड में डम्बल कल। शेड्यूल नंबर फोर हैमर कल, स्टार्टिंग में करें, फिर प्रीचर कल, बारबल कल और एंड में फिर से डम्बल कल। ये बिगिनर्स के लिए है जिनको बहुत जल्दी जल्दी शेड्यूल करने की चेंज करने की आदत होती है, वही चारों सेम एक्सरसाइज है लेकिन आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है और आपको मसल पे फील भी अलग मिलेगी, पंप भी ज्यादा आएगा। लेकिन मिनिमम एक शेड्यूल हो, मिनिमम 4 वीक जरूर फॉलो करें फिर उसको चेंज करें। तो सेम नंबर ऑफ एक्सरसाइज है, सेम 4 एक्सरसाइज है, आप 4 शेड्यूल बना सकते हैं। तो जो एक फैक्टर होता है कि बोरिंग होगी एक शेड्यूल से वो भी नहीं होगी और आपकी एक्सरसाइज भी सेम है, अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बाइसेप पे, आप करके देखना। थैंक यू दोस्त। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड इसी प्रकार से आपको सारा अपडेट हमारे चैनल पे यूट्यूब पे मिलता रहेगा आपको जो भी है। तो आप लोग को थोड़ा सपोर्ट चाहिए यार, देखो इतना मेहनत करता हूँ ना तो थोड़ा सा है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, मेहनत करने में मज़ा आ जाएगा। तो गाइस कमेंट करके बता देना और थोड़ा सा आप लोग अपना अपना सपोर्ट दिखा देना जो भी है। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय।